ऑपरेटर डिवाइडेड डिफरेंस इज लीनियर। चलो शुरुआत करें, दो फंक्शन मानो f ऑफ x और g ऑफ x, लिखना इफ f ऑफ x प्रूफ है इसका, प्रूफ लिखना इफ यदि f ऑफ x एंड g ऑफ x, इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x आर टू फंक्शंस, आर टू फंक्शंस, आर टू फंक्शंस, टू फंक्शंस एंड अल्फा कॉमा बीटा, उधर दिखाई तो दे रहा ना, हाँ जहां लिखे हैं चमक वाला एरिया कहीं का, हम ये मान रहे हैं, माना एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो दिए गए फंक्शन है, अल्फा और बीटा कोई भी दो दिए गए कॉन्स्टेंट है, तो अब ऑपरेट करो देन डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स, ये इस पर ऑपरेट करेगा, ठीक सभी लोग जानते हैं कैसे काम करेंगे, बताओगे कैसे काम करेंगे, जब पहला डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो काम कैसे करेंगे, याद करो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन एफ ऑफ एक्स, दिस गिव्स एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स जीरो, यही होता था। तो सोचो इसका मतलब जब इन पर ऑपरेट, ये पूरा एक फंक्शन है, तो पहले दिस फंक्शन ऑन एक्स वन माइनस दिस फंक्शन ऑन एक्स जीरो, ठीक डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स जीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा एफ ऑफ एक्स वन प्लस बीटा जी ऑफ एक्स वन, मतलब दिस फंक्शन ऑपरेटेड ऑन एक्स वन माइनस इसके बाद अल्फा एफ ऑफ एक्स जीरो, और फिर चूंकि दिस फंक्शन प्लस था तो माइनस और प्लस माइनस बीटा और जी ऑफ एक्स जीरो और होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया एक्स वन माइनस एक्स जीरो, लिखा जा सकता है, नोट कर। ये पर दो हिस्से में इसको ब्रेक करो, दिस कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू, अब एक चीज देखना अल्फा एफ ऑफ एक्स वन अल्फा एफ ऑफ एक्स जीरो एक साथ ला रहे हैं, ठीक तो ये कितना बना अल्फा कॉमन और ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो, सही है गलत इनको और इनको एक साथ किया, अच्छा इन दोनों में से बीटा कॉमन करो तो प्लस बीटा कॉमन और ब्रैकेट के अंदर में जी ऑफ x1 minus g of x0 whole divided by x1 minus x0, लिखा जा सकता है, मेरे ख्याल से सामने दिख रहा होगा क्या हुआ, दो हिस्से में ब्रेक कर लो, दिस इज इक्वल टू अल्फा ब्रैकेट के अंदर में f of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0और प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर में g of x1 माइनस जी ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये पहचान पा रहे हो कौन है डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स और ये डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा डिवाइडेड डिफरेंस जी ऑफ एक्स, नोट कर। यही इतना करना तो तुम लोग नहीं किए, लापरवाह, तुमको बहुत समय नहीं मिलता है, मोदी जी हो गए ना, समय नहीं मिलता है, ये नीला दिख रहा है तेरी, पता चले हम इससे भी व्हाइट व्हाइट अच्छा लगा, हाँ व्हाइट ही दिखे चलेगा, ठीक है डाउन करें, अब डार्क हो गया ना, नोट लगा देना एक,
ठीक, कुछ है नहीं नोट, अगर अल्फा और बीटा वन वन कर देना तब के लिए बात कर रहे हैं, यहीं पर नोट लगा देते हैं नोट। इफ अल्फा बराबर बीटा बराबर एक, ऊपर उठा करके रख दो तो साफ पता चल जाएगा, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटेड ऑन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटेड ऑन एफ ऑफ एक्स प्लस डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटेड ऑन जी ऑफ एक्स। अल्फा बीटा वन रख दो, काम हो गया, लिख दे, तुम लोग लिख सकते हो ऑलरेडी, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटेड ऑन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसको देख के मत लिखो, अपने आप लिखो, इज इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटेड ऑन एफ ऑफ एक्स प्लस डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटेड ऑन जी ऑफ एक्स। ये पर्टिकुलर केस है, यह देख के छाप रहे हैं, गजब पागल आदमी हो। वो तो कम नाम नहीं ले रहे कि अतिक ये सब देख रहे हैं ना, दुनिया जान जाती गजब का लड़का आदमी लिखता है कि कितनी छोटी चीज भी देख करके लिख रहे हैं। तुम्हारा पढ़ भी नहीं करेगा बेटा, ये अच्छा तुम लोगों को कोई बैक वाला नहीं, हम तो 3 दिन छुट्टी नहीं पड़ती, हम तो हैं करते का बात है, कौन सा आप करते कुछ करते नहीं, अगर ज्यादा लोग होते तो करनी पड़ती ना, तुम लोग है ही नहीं, एक भी लोग नहीं, एक भी लोग चाहते कि हम फेल हो जाए बैक, कौन सा आप, तुम पहले में काहे फेल हुए ये बता, तुम पहले में कोई गलती कोई थर्ड फेल नहीं हुए हैं, उनका ड्रामा है वो बता रहे हैं फेल हुए हैं। अब कहीं बाइक में अगर बच्चा सुनो 24 घंटा में एक बार सरस्वती विराजमान हो गई तब तुम वो ही नहीं जाओगे। थर्ड लिखना स्टेटमेंट, द एंथ डिवाइडेड डिफरेंस, संजीव 15 में चाहिए बस, द एंथ डिवाइडेड डिफरेंस 15 कम हो रहा है डिफरेंस, अपना वो कह लेके हमको 2 नंबर मिलेगा, कोई और ना कहीं 15 से ज्यादा नहीं मिलेगा, तभी हम ज्यादा नहीं होते मेहरबान है सर, ऑफ अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन, ये लिखो, ऑफ डिग्री एन इज कांस्टेंट, is constant, कह रहे अगर आप n डिग्री के पॉलीनोमियल का डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, तुम फॉरवर्ड में भी पढ़े थे कि अगर हम nth डिग्री के पॉलीनोमियल का nth फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी कौन आएगा, कांस्टेंट, और इसके आगे n plus 1 का 0, सेम कंडीशन इसमें भी है कि अगर हम nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और इसका रीजन भी होता है क्योंकि इनका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से सीधा रिलेशन होता है। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं प्रूफ, प्रूफ जनरलाइज करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, फिर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, उसके आधार पर पैटर्न तैयार कर लेंगे और फिर nth फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे और बता देंगे कि देखो nth फॉरवर्ड डिफरेंस ये निकल करके आ रहा है, तो वो पैटर्न के हिसाब से होगा, याद करो यही काम तो हम लोग फॉरवर्ड सॉरी डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, यही काम हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस में भी किए हुए थे, पैटर्न पकड़ पा गए थे, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते चलते लास्ट में रूल जनरलाइज कर दिया गया था। क्लियर है, चल शुरुआत करना, लिखना, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये बताओ अब यहां पर एक दिक्कत आई, ये कह रहे हैं एन डिग्री का पॉलीनोमियल, फिर एन डिग्री का पॉलीनोमियल तो कुछ भी हो सकता है, जैसे n डिग्री का पॉलीनोमियल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस anx टू द पावर n जहां पर an डज नॉट इक्वल टू 0, n डिग्री का पॉलीनोमियल तो ये है, लेकिन तकलीफ ये है अगर आप इस पर पहला फॉरवर्ड डिफरेंस लगाने जाओगे तो आपको बहुत बड़ा पैकेट लिखना पड़ेगा, हाँ या ना, पहले तो ये सब कुछ किस पर
एट वन पर, और फिर माइनस यही सब कुछ किस पर, एट एक्स इक्वल टू जी एक्स नॉट पर, हाँ है ना। तो ये मेरे लिए काफी लंबा चौड़ा टास्क हो जाएगा और ये आसान नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पर्टिकुलर केस पर करते हैं। हम मान लेते हैं, माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है, तो वो भी सेम वही, समझ पाए। ये क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत भारी पड़ेगा। इसीलिए नॉर्मल किताबें भी यही काम करती हैं कि वो पूरे को शिफ्ट कर देती हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। अब ये मेरे लिए आसान है, जब इसको निकालोगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस तो क्या बनेगा, x1 की n माइनस x0 की n डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, और है ये भी n डिग्री का पॉलीनोमियल। क्लियर हुआ, चलो शुरुआत करते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर n, ठीक, जहां पर n ग्रेटर देन 0 एंड इंटीजर, मतलब n बिलोंग टू नेचुरल नंबर इंटीजर, क्योंकि पॉलीनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। लिखना, पहला फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, f ऑफ x0 x1, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, पहला आर्गुमेंट x0 दूसरा आर्गुमेंट x1, दोनों को इन्वॉल्व करो, पहला आपको डिवाइडेड डिफरेंस मिलेगा f ऑफ x0 x1। सिंबल बताए थे ना, कई सिंबल हैं, हम ये वाला सिंबल अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक। f ऑफ x0 x1, बोलो ये कितना होता है, f of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0, symmetric होता है, तो आप चाहे तो आप लिख दो f of x0 minus f of x1 upon x0 minus x1, बस x0 की जगह x1 कर दिया, x1 की जगह x0, ठीक, नोट करो पहली चीज। अब फंक्शन f of x दिया गया है x to the power n, तो एक्चुअल में लिखा गया है, this implies that f of x0 x1 is nothing, it is x1 to the power n minus x0 to the power n divided by x1 minus x0, note karo। क्या हम x1 minus x0 को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, अगर हम ऊपर शिफ्ट करें तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू x1 टू द पावर n माइनस x0 टू द पावर n, और इनको ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा x1 माइनस x0 टू द पावर माइनस 1, नोट कर। पूरे में से जो दूसरा वाला है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जा सकता है, तो उसमें से x1 को कॉमन कर दो, तो ये बनेगा this implies that f of x0 comma x1 is equal to, फिलहाल तो पहला वाला हिस्सा ऐसे ही रहने दो, x1 की पावर n minus x0 की पावर n, और वहां से x1 को कॉमन करो, तो जब x1 को कॉमन करोगे तो आएगा x1 की minus 1, और ब्रैकेट के अंदर में क्या होगा, 1 minus x0 upon x1 to the power minus 1, ये लगा सकता है, नोट करो। चले एक्सपेंशन करें, अंदर नेगेटिव बाहर नेगेटिव, सारा एक्सपेंशन प्लस के, याद आया कि नहीं। तो ये बताओ, इस x1 की माइनस 1 को इसके साथ बैलेंस करो, x1 की माइनस 1 को इनके साथ बैलेंस करो, तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू x1 की पावर n माइनस 1, गुणे में घात जुड़ती है, और माइनस x0 टू द पावर n इनटू x1 टू द माइनस 1, हां या ना। और इसका एक्सपेंशन देखना है, इसका एक्सपेंशन करोगे 1 plus x plus x square plus x cube plus so on, तो ये हो गया 1 plus x0 upon x1 plus x0 square upon x1 square plus x0 cube upon x1 cube plus up to so on, नोट करो। ऐसे सिमेट्रिक लॉ में जब दूर तक की चलती है तो उसके आ रहा है दूर से सुनाई।
छत खुली हो बड़े धूप आ रही है उड़ा दे छत इसे छत उड़ाई जाए अच्छा नहीं अच्छा मल्टीप्लाई करें अब जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं देखो पहला डिवाइडेड डिफरेंस आपको क्या मिलता है दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन दैट इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इज इक्वल टू दिमाग चलाना x1 की n माइनस 1 को यहां पर मल्टीप्लाई करो तो पहला आपको मिला x1 की n माइनस 1 सबसे पहला फिर गौर करना x1 की n माइनस 1 जब यहां मल्टीप्लाई होगा बगल वाले पर तो x1 की n माइनस 1 और x1 की माइनस 1 तो x1 की n माइनस 2 एक ही हुआ और साथ में कौन इनटू x0 आ गया ना तुम जरा पावर जोड़ो तो n माइनस 2 यहां और पावर 1 यहां तो एक्चुअल में पावर कितनी हुई n माइनस 1 फिर से हुआ उससे क्या होता है उससे क्या होता है हम पूरा जो पॉलीनोमियल लिखा जा रहा है उसकी रिंग पावर बता रहे हैं याद आया एक्स वाई ये याद करो एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर क्या डिग्री का इक्वेशन है दो डिग्री का होमोजीनियस क्यों क्योंकि सब जगह पर डिग्री कितनी है दो ये दोनों डिफरेंट है लेकिन फिर भी डिग्री एक एक दो याद आया कि नहीं बस उस पैटर्न पर आओ तो x1 की डिग्री n माइनस 2 और x0 की डिग्री 1 तो इस पूरे टर्म की डिग्री n माइनस 1 पहले भी टर्म की डिग्री n माइनस 1 तो पहले n माइनस 1 डिग्री वाले बटोर रहे हैं सब एक जगह पर ठीक ये हुआ इसके बाद दिस इनटू दिस तो ये हो गया अपने पास प्लस x1 की n माइनस 2 इनटू फिर कितना x 0 ये रहा फिर गौर करना प्लस अब x1 की n माइनस इधर लेकर के जाओ तो ये हो गया x1 की n माइनस 1 और x1 की माइनस 2 तो x1 की n माइनस 3 ये हुआ और साथ में x0 का स्क्वायर तुम गौर करो n माइनस 1 इधर भी जोड़ n माइनस 1 इधर भी जोड़ n माइनस 1 सब पर जोड़ n माइनस 1 हो रहा है तो ये ऐसे ही चलते चलते अप टू सो ऑन प्लस x1 की n माइनस 1 किसी दिन लास्ट वाले पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बताओ अच्छा सोच कर जवाब देना ये ऐसे ही मल्टीप्लाई होता चला जाएगा ऐसे ही सेम कंडीशन ठीक नीचे वाला पावर बढ़ती चली जा रही है नीचे पावर बढ़ती चली जा रही है तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये पावर बढ़ते 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 x1 की 3 तो x1 की 4 अपॉन में इस तरीके से चलते चलते लास्ट में x1 की n माइनस 1 तक पहुंच जाएगी और जब ये x1 की n माइनस 1 तक पहुंच जाएगी तब जिस दिन ये इस पर मल्टीप्लाई होगा कट पिट करके कितना 1 और फिर अगले दिन जिस दिन 1 अपॉन x1 की पावर n चढ़ा दोगे x1 की पावर n अब कितना कितना x1 की माइनस 1 अब सोचो x1 की माइनस 1 मिला ना उसको वहीं पर बैलेंस रखना अब बाकी क्या होगा अभी तुमने दूसरे हिस्से पर मल्टीप्लाई नहीं किया अब दूसरे वाले हिस्से का मल्टीप्लाई सुनो नेगेटिव वाले देखना दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस तो कितना देगा माइनस x0 की n अपॉन कितना हाँ या ना फिर ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस x0 की n प्लस 1 और फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हाँ या ना फिर ये वाला ऐड हो गए अपॉन x1 की पावर 2 आप कैंसिल आउट कर रहे हैं फिर ये वाला फैक्टर इनसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा फिर से माइनस और उसके बाद फिर कितना x0 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय x1 की पावर 3 तुम अपने दिमाग सोचो ना पावर 1 पावर 2 पावर 3 इसकी पावर बढ़ती जा रही है अपने दिमाग सोचो क्या ऐसा होगा कि ये सब कहीं ना कहीं इसके मल्टीप्लाई होने पर कट भी रहे होंगे n प्लस 1 के बाद हां कट रहे होंगे तो जितने नए आ रहे होंगे वो सारे इससे कटेंगे जिसको नहीं समझ में आएगा हम पूरा करके दिखाएंगे पहले तो अपना दिमाग चलाओ सोच लो हम अभी रुके हुए एकदम इतना कोई दिक्कत नहीं है पूरा लिखा जाए पूरा लिखा जाए चलो तुम लोग मदद करो पूरा लिखा रहे हैं ऊपर का मिटा रहे हैं ठीक हाँ क्योंकि यही मेन चीज है ये नहीं आया तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला
सुनो ध्यान देना, वन बाई वन मल्टीप्लाई करो, जो होगा देखा जाएगा। पहले तो हम x1 के n माइनस 1 को पूरे पर मल्टीप्लाई करें, जो कि यहां पर लिखा गया है। तो लिखा गया x1 की n माइनस 1, फिर लिखा गया प्लस x1 की n माइनस 2 और n2 की x0 की 1 आया ना, प्लस x1 की n माइनस 3 और फिर x0 की 2। तो एक चीज करो, जितना इसमें कम हो रहा है उतना ही x0 की पावर बढ़ रही है। यहां n माइनस 1 था, एक और कम हो तो इसकी पावर वन हुई, यहाँ दो कम हो गया तो इसकी पावर दो हो गई। तो इसका मतलब अगला होगा x1 की n माइनस 4, तो यहाँ x0 की पावर 3 हो जाएगी। अच्छा, जिसको वैसे भी दिक्कत लग रही, तो एक दो दो तीन तीन चार, तो अगला जान लेना चार पांच, तो प्लस x1 की n माइनस 5 और x0 की 4। अच्छा ये बताओ, ये काम ऐसे जब चलता रहेगा तो प्लस धीमे धीमे आप एक वेक्टर रखो n माइनस 1 का, n तो इंटीजर है, एक वेक्टर है n माइनस 1 का, उसमें से चीजें कम होती जा रही, एक एक कम हो रही है, तो कभी ना कभी घटते घटते वो आपको देगा x1 की पावर 3, x1 की पावर 3। तो अगला क्या होगा, x0 की पावर, x0 की पावर n प्लस 3। सोचो जितना यहां होगा बोलोगे, सुनो तुम लोग बेटा कहते हो इनका इनका जोड़ तुम गौर करो n माइनस 1 बैठ रहा है, हाँ या ना, इनका और इनका जोड़ n माइनस 1 बैठ रहा है। तो यहाँ जो आप लिखोगे, यहाँ जो भी लिखना उसका इसका जोड़ n माइनस 1 बैठना चाहिए, तो ये n माइनस 4। अभी पकड़ पाए, अब सुनना, प्लस x1 की पावर एक कम दो, तो यहाँ x0 की पावर n माइनस 5, प्लस ये बताना x प्लस x1 की पावर 0, तो x0 की पावर n माइनस 1। अब और कितना कम होगा, अब तो कम ही नहीं होगा भाई, n इंटीजर था, अब n इंटीजर था, इंटीजर में से आप निकालते निकालते कहां तक आ गए, जीरो, तो मामला ही खत्म हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? अब गौर करना, अगर तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव है तो, अगर तुम्हारे दिमाग में और घटेगा, एक एक कम होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो जरा देखो ये तो तुमने केवल और केवल एक का मल्टीप्लाई किया है, किसका, कहां गया यार, हो गया ये x1 की n माइनस 1 का इधर किया और निपटा दिया। अब ये वाला बचा है, इसको लेकर के इधर आओ, देखो कितना होगा, अब उसको हम लिखे हुए हैं, आगे जो होगा मेरे को कुछ नहीं पता। अब हम नीचे लिख रहे हैं नेगेटिव वाले, देखना, तो नेगेटिव वाले में माइनस प्लस कितना होगा, माइनस, और बोला x0 की n अपॉन x1, x0 की पावर n अपॉन कितना x1। तो जरा इसको बढ़ाओ, इसको तुमने कहा ना एक एक कम होते होते जीरो आए, एक और कम करेंगे, एक और कम करेंगे तो प्लस x1 की माइनस 1 और x0 की पावर n। लेकिन गौर करो भैया, ये उड़ जाएगा, फिर सुनना, एक और घटा रहे, प्लस x1 की माइनस 2 x0 की पावर एक बढ़ाओ n प्लस, क्योंकि इनका जोड़ n माइनस 1 ही बैठना चाहिए। तो जरा गौर करो, इसको मल्टीप्लाई करो, x0 की n x0 की 1 कितना होगा, तो माइनस x0 की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x1 की माइनस 1 और x1 दैट इज x1 की पावर 2। लेकिन फिर वही बात है, ये और ये कैंसिल आउट, मतलब अब हो क्या रहा ना, तुम जितना उसका एक टर्म बढ़ा रहे उतना ही उसको कैंसिल आउट करते चलो, तो एक्चुअल में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही टर्म बच रहा है कि नहीं बच रहा है, इतना ही। और तुम गौर करो उस पूरे पर डिग्री जोड़ो तो n माइनस 1 बैठी हुई है, यानी तय हो गया कि आप n डिग्री x की पावर n का जब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हो तो डिग्री n माइनस 1 में जा रही है, एक कम हो रही है। समझ आया कि नहीं? जिनको बाद में कंफ्यूजन होगी वो पहले पूरी बात कहीं रफ पर देख लेंगे, रफ पर, मेन प्रूफ में नहीं है कंफ्यूजन, नहीं मान लोगे कि ऐसा हुआ, तो चल रहे फिर लिखने के लिए, ठीक।
अच्छा और आगे करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, आप तो ये मान लिए कि जितना है वो केवल पॉजिटिव टर्म वाले बचेंगे, और जैसे ही इसकी पावर नेगेटिव होने लगेगी वो इस नेगेटिव टर्म वाले को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम केवल और केवल पहले वाले टुकड़े के मल्टीप्लाई से ही सारा काम लिख लिया। नेगेटिव वाला इसलिए लिख लिया है क्योंकि नेगेटिव के सारे लोग कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ आई बातें सबको, मिटाए जाएंगे, यही समझाना था हमें। ये समझ गए तो सब समझ गए, फिर कुछ नहीं बचा। तो ये बताओ इस तरह से चलते 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 यहाँ लास्ट वाला केवल और केवल x0 की पावर n माइनस वन बचेगा कि नहीं बचेगा, और आगे मुझको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा ये है सही बात। तो ये बताना जब आपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला, मेन आपका कितना था fx is equal to x to the power n, n डिग्री का फर्स्ट निकाला तो सब पर डिग्री कितनी होगी n माइनस वन, नॉट n माइनस वन डिग्री पॉलीनोमियल। क्लियर हुआ? नोट करो पहले। यहाँ नहीं गर्मी वाली, गर्मी में नहीं होता है, गर्मी में भी तीनों पंखे का सारे रॉड का लोड उठा लेता है दिन भर 24 घंटे। दो बैटरी, दो बैटरी सिंगल है बड़ा है, 200 इसका क्या है, 200 ये सब नहीं जानते हैं, बस हम जानते हैं बैटरा बोलते हैं, उसको बैटरी बोलते हैं, उसको बैटरा बोलते हैं, सिग्नल है तो उसको खाली बस एक वक्त के लिए उसके नजदीक जाते हैं जब उसमें पानी वानी डालना होता है या उसमें कार्बन की सफाई करनी होती है, तब इसके अलावा नहीं जाते उसके नजदीक, बाकी दूर दूर रहते हैं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, इस पे चल रहे हैं। बैठना का मजा नहीं, बैठना तो नहीं बैठना करना ना, बैठना का मजा कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ एक और प्रॉपर्टी यहीं पर निपटा लेते हैं, क्या ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो आपका निकला ये सिमेट्रिक है? नॉर्मल थ्योरी कहती है सिमेट्रिक है, जरा तुम उधर वाले पर x0 की जगह x1 और x1 की जगह x0 करो, है कि नहीं है? है? तो दिस इज इक्वल टू लिखो बराबर अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन, नॉर्मल लैंग्वेज लिखना अगर ये पूरा हो गया हो सबका, अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन बराबर का साइन लगाओ उसी के बाद लिखना अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन एंड सिमेट्रिक a polynomial of degree n minus 1 and symmetric in x0 comma x1 and symmetric in x0 comma x1 with leading coefficient और इसका leading coefficient कितना नजर आ रहा है? 1 with leading coefficient 1 with leading coefficient वन हो गया। ये हमने निकाला फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जब हमने x की पावर n का पर्टिकुलर केस है, जब x की पावर n का फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला तो वो n माइनस वन डिग्री का एक पॉलिनोमियल बना, और उसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना निकल करके आया? वन। अब आओ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में देखते हैं क्या डिग्री दो कम होती है या नहीं होती है। पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकाला डिग्री कितनी कम होगी, एक होगी, दूसरा निकालेंगे अगर दो कम हो गई तो पक्की बात है तीसरा निकालने पर तीन कम होगी, तो n डिवाइडेड डिफरेंस निकालने पर n कम होगी, तो n माइनस n कितना हो गया? जीरो, कांस्टेंट बन गया। जब पावर जीरो लगने लगी तो इसका मतलब वो कांस्टेंट आने लगा, टेक्निकली कांस्टेंट की डिग्री इनडिटरमिनेट होती है, लेकिन हम नॉर्मली समझने के लिए कह सकते हैं एन माइनस एन मतलब जीरो, जीरो का मतलब पावर जीरो हुई तो ये नीचे क्या हो गया? कांस्टेंट। और अगर वो कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है एन से डिवाइडेड डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट, तो एन प्लस वन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। लिखना इसी बात को, ये पढ़ा नहीं देते हैं, बाद में उसका यूज कर देंगे। लिखना अगेन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालो, अगेन। अच्छा सेकेंड में कितने पॉइंट इन्वॉल्व होंगे? तीन। कौन कौन से? एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू। लिखना अगेन एफ ऑफ एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू इज इक्वल टू, ठीक,
क्या लिखा जाए, आता है ना एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स जीरो। सही है, आप तो है तुम लोग बस कभी कभी बोलते हो, हम तो सोचे ढील हो जाए तुम आपका। हाँ चले फिर लिखा दे, नकल मारो अकल से। दिस इज इक्वल टू, ये बताओ यहाँ तुमने क्या लिखा है, एक्स जीरो एक्स वन, ठीक बाद वाला एक्स वन है ना, तो यहाँ एक्स वन की पावर एन माइनस वन से शुरू किया। नॉर्मली ये सिमेट्रिक होता है, ऐसे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी पैटर्न बना रहे हैं। एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन, तो शुरुआत है एक्स वन की पावर एन माइनस वन से, ये लिखा है एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू। तो एक काम करो, जहां जहां एक्स जीरो है उसकी जगह पर क्या रखो, एक्स वन, और जहां जहां एक्स वन है उसकी जगह पर एक्स टू। क्या तुमको ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और इससे नकल करके बोलो हम लिखे, बोलो एक्स वन की जगह पर कितना एक्स टू, तो एक्स टू की पावर एन माइनस वन, टू या वन, टू या वन, हम रुके होगा, हम रुके होगा। तो अब तुम लोग सोच लो पहले खुद से, क्योंकि बट गए ना तुम लोग, लिखना तुम्ही को है, हम छाप देंगे तो क्या मतलब रह जाएगा। टू होगा, कितने लोग टू के सपोर्ट में हो, हाथ ऊपर करो जरा, एक, अच्छा बोल सब रहे हैं, हाँ देखते हो, दो तीन एक चार, कितने लोग वन के सपोर्ट में हो, वन वाले हाथ ऊपर करें, कोई नहीं, ये जो हाथ नहीं ऊपर करते ना इनका हाथ काट देने लायक है। सुनो अकल कम हो गई तुम लोगों की, ये कौन सा डिफरेंस है, फर्स्ट ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट डिफरेंस है, तो ये तो डिग्री एन माइनस वन पे ही चलेगा। हम क्या कहे, बल्कि हम तुमको कहे भी इसमें इसमें बदलाव करो, कितने का, एक्स जीरो की जगह एक्स वन और एक्स वन की जगह एक्स टू, आर्गुमेंट शिफ्ट करके निकाला गया। आप इसको निकाले हो एक्स जीरो और किस पर एक्स वन, उसको आप निकाल रहे हो एक्स वन और किस पर एक्स टू, लेकिन निकाल तो आप फर्स्ट डिफरेंस ही रहे हो, तो फर्स्ट डिफरेंस आप निकाल रहे हो तो एन माइनस वन की तो डिग्री रहेगी, क्लियर हुआ कि नहीं, तो ऊपर वाले में n माइनस टू नहीं होगा, n माइनस वन होगा। बदलाव इसीलिए हम तुमको बोले साफ सुथरा, केवल एक बदलाव करो, जहां जहां एक्स जीरो नजर आ रहा है वहां वहां एक्स वन रख दो, जहां जहां एक्स वन है उसको एक बढ़ा करके क्या कर दो एक्स टू कर दो। तो आप बोलना ये कितना, उसको लिख रहे लेकिन इसकी मदद से लिखेंगे, एक्स टू की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स टू की पावर एन माइनस टू और इंटू एक्स वन, अभी सही आए, प्लस एक्स टू की पावर एन माइनस थ्री एक्स वन का स्क्वायर प्लस टू ऑन कहाँ रुके एक्स वन एन माइनस वन, ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू की माइनस, अब सुनो एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन यही निकाले हो, उठा करके छाप दो एज इट इज, तो कितना हुआ एक्स वन की एन माइनस वन प्लस एक्स वन की एन माइनस टू एक्स जीरो की वन प्लस एक्स वन की पावर एन माइनस थ्री और एक्स टू की एक्स जीरो की पावर टू प्लस सो ऑन प्लस लास्ट में एक्स जीरो की पावर एन माइनस वन, ठीक, और होल डिवाइडेड बाई ये पूरा डिवाइड किया जाएगा एक्स टू माइनस एक्स जीरो से। अभी पैटर्न पता चला, पैटर्न से लगाना सीखो इसको, पास कर ले। सर कह रहे हैं कि अगर जैसे बैक में भी फेल हो जाए हाँ तो क्या फिर बैक ले सकती है, बैक में भी फेल हो जाए, हाँ बिल्कुल दे सकते हो, एक बार और फेल हो उसी क्लास में तो बैक भी तो होगी उसमें, नहीं ये कह रहे हैं पास कर देंगे, वो कर देते हैं अगर गाइस होती है तो, किस पे बैक, हारे बैक में सर पास बैक ऐसे, थैंक यू सर मोटिवेट करने के लिए, इनको जीत आपकी शिवचड़ा गिफ्ट कर दो कोई लोग।
रिच डैड पुअर डैड पढ़ लेंगे तो अमीर बन जाएंगे। अरे वो रावत के साथ बहुत देखी सर वो किताब। हां रिच डैड पुअर डैड हम अभी तक उसको पढ़े नहीं, पढ़ना चाहिए ना। बहुत गजब किताब क्या है, ज्यादा पढ़ेंगे अमीर हो जाएंगे हम भी। नहीं ऐसा नहीं, मतलब जैसे ये अमीर नहीं बनता है, मंत्र है मतलब पहले हो गया तो आगे बढ़ गया। अब सुनो चलो बंटवारा करें ना, अमीर बाद में बनेंगे, पहले बंटवारा करेंगे। अच्छी बात नहीं ये एक तरफ है कि बंटवारा करना अच्छी बात नहीं, एक तरफ है कि मिल बांट की खाई भाई जी तो तय कर लो ना। अच्छा कौन है बंटवारा होना है ना, जैसे देख पड़ गई। सुनो इधर से उठाओ x2 की n माइनस वन, इधर से उठाओ x1 की n माइनस वन, इकट्ठा करो तो कितना होगा x2 की n माइनस वन माइनस x1 की n माइनस, एक साथ आया ठीक। अच्छा फिर गौर करना, यहाँ से x2 की n माइनस टू x1 और यहाँ से x1 की n माइनस टू और कितना x0। कुछ फायदा मिलेगा अपने को, रुक जाओ चेक कर लें इसमें फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नीचे कौन है x2 माइनस x0 है ना, तो नीचे अगर x2 माइनस x0 तो अपने x2 की n माइनस 1 और x0 की n माइनस 1 को बैलेंस करें, पीछे से बैलेंस कराएं क्योंकि नीचे है x2 माइनस x0 है ठीक। ये गड़बड़ है, ध्यान देना नीचे वाले को देख करके बैलेंस करा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू x2 की पावर n माइनस 1 और इधर से माइनस माइनस x0 की पावर n माइनस 1 ठीक एक साथ। अच्छा फिर सुनना, अब ये और इससे जस्ट पहले कौन था वो पहचान पाओगे, यहाँ पर जस्ट पहले कितना सुनो ये बताना, इधर से इधर आओ, इधर से इधर x1 की n माइनस 1 x1 की n माइनस 2 x1 की n माइनस 3 घट रहा है, घट रहा है। इधर अगर गलती से बोलो तो x1 की पावर 0 है तो इसके ठीक पहले x1 की पावर 1, तो इधर पर x1 की पावर 1 x x0 की पावर 0 x0 की पावर 1 x0 की पावर 2 एक एक बढ़ रहा है तो यहां x1 की n माइनस 1 तो पीछे की तरफ एक एक घटेगा तो x0 की पावर n माइनस 2। अब तुम एक काम करो x2 की n माइनस 2 x1 को बैलेंस करो माइनस इसके जस्ट पहले इस वाले टर्म के साथ, तो ये बताओ क्या कॉमन हो सकता है। ये x2 की n माइनस 2 है x1, वो है x1 x0 की, तो क्या x1 कॉमन हो सकता है, तो प्लस x1 को मैंने किया कॉमन, ब्रैकेट का हाल बोलना x2 की पावर n माइनस 2 माइनस x0 की पावर n माइनस 2। मेरे ख्याल से अब तुमको ऐसी नकल मिली, तुमको अब पैटर्न नहीं देखना n माइनस 1 n माइनस 2 तो अगले में n माइनस 3। अच्छा यहाँ x1 की पावर 0 यहाँ x1 की पावर 1 तो अगले में x1 की पावर 2 तो प्लस x1 की पावर 2 देखो x1 की पावर ब्रैकेट में x2 की पावर n माइनस 3 माइनस x0 की पावर n माइनस 3। इस तरीके से ऐसे ही कई फैक्टर तैयार होंगे कि नहीं, मेरे को नहीं पता आखिरी क्या होगा लेकिन ऐसे तैयार होंगे। और ये बताओ सब में नीचे x2 माइनस x1 है कि नहीं, सब पर अलग अलग कर देते अपॉन x2 माइनस x0 अपॉन x2 माइनस x0 अपॉन x2 माइनस x0 सो ऑन। लिख सकते हैं नोट करो, तुम चाहो तो तुम मुझको लास्ट वाला टर्म बता सकते हो, हम लिख देंगे, तुम चाहो तो तुम मुझको बता सकते हो। बताएं पहले ब्रैकेट का टर्म बोलूं उसको, ब्रैकेट के अंदर में प्लस पावर कितनी n माइनस 1 यहां कितनी n माइनस 2 यहां कितनी n माइनस 3 पावर घट रही है तो घटते 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 एक दिन एक हो जाएगी, तो इसका मतलब x 2 की पावर 1 माइनस x 0 की पावर आया ना। अब बताना पावर देखना, यहां x 0 x 1 की पावर 1 x 1 की पावर 2 x 1 की पावर 3 यहां x 1 की पावर कितना होगा वो सोच के और नकल बताएं, और नकल सुनो जरा पावर जोड़ो पावर n माइनस 2 और 1 n माइनस 1 n माइनस 3 प्लस 2 n माइनस 1 तो यहां पर जोड़ो कि n माइनस 1 आता है
एन माइनस टू और डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स जीरो खाली एक्स वन की एन माइनस टू। सहमत हो कि नहीं? पहले आया एक्स वन की एन माइनस वन और अब आ रहा है एक्स वन की एन माइनस टू। क्लियर हुआ कि नहीं? नोट करो। सारा खेल पैटर्न पकड़ने का है बस। पैटर्न आप पकड़ लिए फटाफट लगा दो। नहीं पूरा खत्म नहीं होगा ना, पूरा खत्म नहीं होगा। पूरा खत्म करने पर आएंगे तो समझ नहीं आएगा, इसीलिए आप बस एक लाइन और चलेंगे उसके बाद रुक जाएंगे। बोले दिस इज इक्वल टू, ये बताओ अपने दिमाग से सोचो, इसके पहले जब तुम कर रहे थे, इसके ठीक पहले तो तुमने बनाया x1 की पावर n माइनस x0 की पावर n अपॉन x1 माइनस x0, यही बनाया था कि नहीं? पहला वाला फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला थे, और जब इसको ऊपर लेकर के गए और बाइनोमियल से एक्सपेंड किया तो पावर n माइनस 1 में बन गई। आया ना? यहां है n माइनस 1 और नीचे फिर ये है, फिर आप इसको ऐसे बगल में ले जाओगे, फिर आप कॉमन करके बाइनोमियल में एक्सपेंड करोगे तो ये n माइनस 1 है, तो आप पावर कितने में बनेंगे? n माइनस 2 में बनेंगे। समझ आई बात कि नहीं? लिख सकते हैं उसको सीधे सीधे कि नहीं? तो इसका मतलब अब जो टर्म बनेगा यहां पर आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x2 की पावर n माइनस 2, ठीक, प्लस x0 x2, वही सेम पैटर्न में चलेगा जैसे पुराने वाले में चल रहा था, x0 x2 की पावर n माइनस 3, और ये ऑनवर्ड चलते चलते लास्ट में प्लस x0 की पावर n माइनस 2। ये पहले वाले से आया है, सहमत हो? ये पहले का पैटर्न है, ठीक। इसी तरीके से अगले में देखना, अगले में प्लस x1 ब्रैकेट, हम पूरा नहीं लिखेंगे, बस ये ऐसे ऑनवर्ड चलता रहेगा, दो लिखेंगे बस इसके बाद छोड़ दिया जाएगा। अब फिर इनको ऊपर लेकर के जाओ, अब नकल बैठाना, n माइनस 1 था तो n माइनस 2 से बना, n माइनस 2 है तो अब किससे बनेगा? एकदम n माइनस 3 से बनेगा। तो बगल वाले में क्या लिखोगे? बगल वाले में x1 बाहर है, नकल बोलो, x2 की पावर n माइनस 3 प्लस x2 की पावर n माइनस 4 और फिर x0 आया ना, और ये ऑनवर्ड चलते चलते प्लस x0 की पावर n माइनस 3 और प्लस ऑनवर्ड चलते हुए लास्ट का तो आपका केवल है x1 की पावर n माइनस 2। तुम गौर करो इस बार n माइनस 2 का बना हुआ है, इस बार n माइनस 2 का बना, किसी पर इसको रोक देना, इसके आगे हम कल लिखाएंगे, ठीक। खत्म हो चुका है लेकिन अभी कुछ लंबा चलेगा, इसके आगे कल लिखाते हैं। इसके बाद आगे बताना, ये बताओ x2 minus x0 ऊपर लेकर के जाए तो बना x2 minus x0 की पावर minus 1, वापस बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। अगर तुमको पहले याद हो तो हम लोगों ने किया हुआ था x, याद आ रहा है, x1 की पावर n minus x0 की पावर n divided by x1 minus x0, इसका एक्सपेंशन किया था। तो जब इसका एक्सपेंशन किए तो ये पावर n थी, तो हम लोग शुरुआत किए थे ये n माइनस 1 से, और खत्म भी किए थे किस पर? n माइनस 1 पर, और सब पर डिग्री का जोड़ n माइनस 1 था। इसमें क्या है? n माइनस 1 और नीचे कौन है? x2 माइनस x0। ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसमें शुरुआत होगी n माइनस 2 से और खत्म भी होगा किस पर? n माइनस 2 पर। लिखा जा सकता है तो उसी पैटर्न पर लिखो, तो दिस इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखें? x2 की पावर n माइनस 2 और प्लस अगला बोलो x0 x2 की पावर n माइनस 3। ये एक एक कम होगा, ये एक एक बढ़ेगा, और कुछ नहीं लिखना आप, टू सो ऑन चलते हुए प्लस लास्ट में x0 की पावर n माइनस 2। ये पहला पैकेट, सहमत हो? ये बताना प्लस x1 को बाहर रहने दो, इनका हाल देखो क्या सेम पैटर्न नजर आ रहा है कि नहीं? ये है n माइनस 2 और नीचे
ये मौजूद है, तो ये शुरू होगा n माइनस 3 से, तो ये होगा प्लस x1 और ब्रैकेट में शुरू करें x2 की पावर n माइनस 3 प्लस अगला कौन x0 x2 की पावर n माइनस 4 जोड़ हमेशा n माइनस 3 रहेगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस x0 की पावर n माइनस 3 और ये होगा ऐसे जितने फैक्टर आएंगे लिखते चले जाएंगे और लास्ट में बचेगा प्लस x1 की पावर n माइनस 2 आया ना। जरा अब इस पर निगाह डालो, यहां पर डिग्री कितनी नजर आ रही है n माइनस 2 n माइनस 3 प्लस 1 n माइनस 2 इधर पूरे पर कितना n माइनस 2 क्लियर हुआ। इन पर आना तो n माइनस 3 और यहां का बन कितना n माइनस 2 n माइनस 4 1 n माइनस 3 और बाहर का n माइनस 2 तो सब n माइनस 2 का बन गया कि नहीं बन गया तो यानी नाउ दिस इज द पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 2। अब सोचो पहला डिफरेंस निकाले तो n माइनस 1 आया, दूसरा निकालने तो n माइनस 2 तो इसका मतलब nth डिफरेंस निकालेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? ये नोट करके फिर लिखें, ये भी लिखा दिए थे तो लिखो दिस इज इक्वल टू, ये भी हो गया था। अच्छा हमको लगा नहीं होगा, दिस इज इक्वल टू बोले अब पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 2 हम लिखने गए, खुद लिखो क्या कुछ नहीं अभी भी क्या कन्वा मिट्टी तेल डालो बज रहा है तुम्हारा। अब पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 2 a polynomial of degree n minus 2 और क्या एक बार फिर से leading coefficient 1 है कि नहीं है, with leading coefficient 1 a polynomial of degree n minus 2 with leading coefficient 1 with leading coefficient 1 हो गया। line change करके लिखना proceeding in this way, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए proceeding in this way कोई लेट नहीं जाएगा तुम्हारा, तुम रख सकती हो बैग नीचे। प्रोसीडिंग इन दिस वे द अर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, अर्थ प्रोसीडिंग इन दिस वे द अर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, द अर्थ डिवाइडेड डिफरेंसेस, अर्थ डिवाइडेड डिफरेंसेस ऑफ एक्स टू द पावर एन, अर्थ डिवाइडेड डिफरेंसेस ऑफ एक्स टू द पावर एन will be a polynomial proceeding in this way, the rth divided difference of x to the power n will be a polynomial of degree n minus r, of degree n minus r full stop, of degree n minus r full stop हुआ। hence ये nth forward difference of x to the power n, nth forward difference of x to the power n, is a polynomial, is a polynomial, वैसे polynomial इतना गलत होगा ना, अगर हम पॉलीनोमियल लिखेंगे तो मुझको डिग्री कहनी पड़ेगी कि डिग्री n माइनस n दैट इज इक्वल टू 0, डिग्री टेक्निकली आप 0 कह नहीं सकते हो ना, पॉलीनोमियल कहना गलत होगा। इस कांस्टेंट है तो पॉलीनोमियल काट दो, कांस्टेंट काट दो, इस कांस्टेंट और ये बताओ हर बार लीडिंग कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 1, तो एक्चुअल में इनफैक्ट वास्तविकता में लिखना इनफैक्ट, इनफैक्ट nth forward difference of x to the power n is equal to 1, leading coefficient तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा आपका, ठीक, is equal to 1, ये बात तो समझ में आ रही है ना कि 1 कैसे लिखती है। अच्छा अगर के 1 है तो आप गौर करना, सोचो 1 तो constant है और किसी constant में होने वाला बदलाव कितना 0, तो अब जब आप डिफरेंस निकालोगे अगला तो वो कितना निकल कर के आएगा 0, यानी दिस इंप्लाइज दैट n plus ith forward difference of sorry divided difference of x की पावर n is equal to 0, किसके लिए for i greater than or equal to 1, जैसे ही आप i की वैल्यू 1 भरोगे तो आप n plus 1 निकालोगे, आई दो भरो n plus 2, तीन भरो n plus 3, लेकिन हर बार अब ये कितना रहेगा 0, क्योंकि आपका nth divided difference ही कितना हो चुका है 1 हो चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं, नोट कर लो।
ब्लैक पेन से लिखना इन जनरल, अगर ये हो गया तो इन जनरल, इन जनरल पार्टिकुलर से काम किए हैं ठीक, इन जनरल nth as nth divided difference of a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus up to so on plus an is equal to. अब इसके लिए ये भी तो एक पॉलीनोमियल है n डिग्री का, अब ये जनरल पॉलीनोमियल है, इसका हम nth डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं. सुनो क्या होगा, तुमको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो कम से कम a0 तो बाहर गया और ये डिवाइडेड डिफरेंस x की n पर काम करेगा, तो इसकी वैल्यू अभी अभी कितनी आ गई है 1. और सोचो ये n है, बाकी सब कम होने लगे हैं, तो आप ज्यादा बार डिवाइडेड डिफरेंस ले रहे हो और इनकी डिग्री कम है, तो वो सब कितने हो गए 0. तो आंसर आया a0 into 1 plus 0 plus 0 plus so on that is equal to a0. x की पावर n का जो कोफिशिएंट है वही आपका nth डिवाइडेड डिफरेंस पर आंसर हो जाएगा. क्लियर हुआ, नोट कर लो. एफपीपी में आप सोचेंगे आप जब सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़ाएंगे तो तुम लोगों की क्लास में एमएससी वालों को बैठाएंगे, अब दोनों क्लास मर्ज करेंगे बीएससी और एमएससी. सेंसिटिविटी एनालिसिस उनको भी पढ़ानी है, तुमको भी पढ़ानी है. ब्रांच बाउंड टेक्निक उनको भी पढ़ानी है, तुमको भी पढ़ानी है. उनमें पूरा पूरा है, जितना तुमको पढ़ा रहे हैं उसका उनमें है, बस उनमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, तो कहे अलग से टाइप होता है. खाली तो बैठे मेरी क्लास है खाली, तुम लोगों की जब चलाएंगे तो उनकी क्लास तुम्हारे मर्ज कर देंगे. फायदा ये होगा अपने को टाइम मिल जाएगा दोनों क्लास को इकट्ठे 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाने का, इकट्ठे 3 घंटे की क्लास चल जाएगी. नहीं तो हम पता चले कितने बजे 10:20 पे 10:45 पे एमएससी शुरू कर रहे हैं, 10:20 पे तुम्हारे यहाँ, तो तुम्हारे यहाँ छोड़ के एमएससी आए, एमएससी छोड़ के तुम्हारे यहाँ जाए, तो इससे अच्छा दोनों लोग एक ही क्लास में आ जाओ. पता तो चले बीएससी में और एमएससी में फर्क किसका है. उनको तुम लोग जान लो कि वो एलपीपी में कितने अच्छे हैं, वो तुम लोगों को जान लो एलपीपी में कितने अच्छे हो. गेट टुगेदर चलो रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस. रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस divided difference and forward difference relation between divided difference and forward difference. ठीक, लेकिन ये याद रखना जब अपने लोग फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़े हुए थे तो फॉरवर्ड डिफरेंस में आर्गुमेंट के बीच का जो फर्क था वो इक्वल था. याद आया, तो यहां भी हमको मानना पड़ेगा कि अगर दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो दोनों को एक जमीन पर खड़ा करना पड़ेगा, और वो जमीन यही है कि फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हुए उसके बीच में जो स्पेसिंग हो रही थी, जो डिफरेंस आ रहे थे वो इक्वल डिफरेंस आ रहे थे. तो हम ये मान लेंगे कि माना आर्गुमेंट इक्वली स्पेस्ड है, एक दूसरे से एक बराबर दूरी पर मौजूद है. लिखना If arguments are equally spaced, लिखना if arguments are equally spaced, ठीक, then we have. अच्छा सोचो, जब वो इक्वली स्पेस्ड हैं, तो आप आर्गुमेंट के बीच का फर्क निकालो. तो अगर x1 और x0 के बीच का फर्क निकालो, तो वही फर्क तो x2 और x1 के बीच का होगा,
वही फर्क तो x3 और x2 के बीच का होगा, हाँ या ना? सब में यही फर्क होगा अप टू सो ऑन, और xn और xn माइनस 1 के बीच वही फर्क होगा, और उसी को इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एच कहा जाता है, हाँ या ना? नोट करो। इसके बाद हम लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला निकालेंगे इस रिलेशन के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। हो गया, चलो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, देखना। नाउ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन, सही सिंबल इस्तेमाल किए हैं, सिंबल सही है। चाहे तो हम लिखे एफ ऑफ एक्स वन एक्स जीरो, सिमेट्रिक है, तो आप चाहे लिखो एफ ऑफ एक्स वन एक्स जीरो, चाहे एक्स जीरो एक्स वन, कितना होगा बताओ? एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स जीरो। अच्छा, अब ध्यान देना, एक्स वन माइनस एक्स जीरो कितना है एच, और जहां खड़े हो उससे एक स्टेप आगे बढ़ करके डिफरेंस लेना, याद आ रहा है? एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो, ये कौन है? फॉरवर्ड डिफरेंस कितना? एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई कितना? हाँ या ना? क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते जैसे ये लिखा गया हो, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल वन एच टू डी पावर वन, सही लिखा या गलत लिखा? नोट करो पहली चीज। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो, चलो फिर सेकेंड निकालो, सेकेंड का सिंबल बोलोगे तुमको अगर याद हो तो बोलो, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ याद आया, दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखे एफ ऑफ x0 x1 x2, x2. बोलो क्या लिखे? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ x0, सही है गलत? तो क्या बताओ? डिवाइडेड बाई x2 माइनस x0, हम रुके हुए इत्मीनान से सोच लो उसके बाद, चलिए भूल गए, इत्मीनान से सोच लो उसके बाद बताओ, हम रुके हुए इधर आर्गुमेंट होता था, इधर देखो अब खोपड़ी मत घसाओ, इधर देखो इधर f ऑफ x होता था, इधर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x होता था, इधर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x होता था, याद आ रहा है कुछ कुछ? यहाँ शुरुआत किससे करते थे? x जीरो, तो कौन होता था f ऑफ x जीरो, फिर कौन होता था x वन, तो कौन होता था f ऑफ x वन, हाँ या ना? तो ये होता था इनका और इनका डिफरेंस डेल्टा f ऑफ x जीरो, सही या गलत? इसके ठीक नीचे कौन होता था? तो इसके सामने कौन होता था? f ऑफ x2, तो इनका इनका डिफरेंस क्या कहलाता था? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x1, याद आया कि नहीं आया? तो इनका और इनका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x0 क्या होगा? बोलो, ये होगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x1 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x0, यही होगा कि नहीं होगा? चलो ये हुआ। अच्छा, कोई मुझको ये बताएगा ये क्या होता है? ये
कितना और अच्छा बोलो रिलेशन चाहिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में रिलेशन चाहिए और अच्छा बोलो इसको रुके हुए हैं ऊपर वाले से नकल करके तुम बोल सकते हो नकल नकल छापो क्या लिखा है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट जीरो ये लिखा है इसका आंसर कितना आया है वन अपॉन एच डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स जीरो हाँ या ना तो ये बताओ यहाँ क्या लिखा है डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स वन हाँ या ना तो कितना आएगा वन अपॉन एच डेल्टा एफ ऑफ एक्स वन सही है गलत बगल वाला क्या डिट्टो यही छाप दिया जाए कि नहीं तो कितना आएगा माइनस वन अपॉन एच डेल्टा एफ ऑफ एक्स जीरो सही या गलत और डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स जीरो कितना बस यही अकल होती है कहां से कहां दौड़ रहे उस पे निगाह नहीं आ रही है पहले x0 से x1 तक कितना दौड़े फिर x1 से x2 तक फिर कितना दौड़े तो x0 से x2 कितना दौड़े 2h तो नीचे 2h रहेगा कि h रहेगा 2h हम लोग कहते हैं तुम यार बहुत ही डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते हो यहां इंटरवल और डिफरेंसिंग पे तुम्हारी अकल इधर उधर हो रही है कच्चा नहीं खा रही है डांस कर रही है मन डोले मेरा तन डोले अकल तो दमदम डोले हो जाए तो आगे पढ़ा जाए दिस इंप्लाइज दैट सोचो यहां से अपने को क्या मिला डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स जीरो ओवर एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू ये वन अपॉन एच को कॉमन किया जा सकता है वन अपॉन एच को कॉमन करके नीचे वाले के साथ लाओ तो फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर आया ना तो ऊपर दिख रहा है मेरे को डेल्टा एफ ऑफ एक्स वन माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर तुम इसको जरा बता सकते हो ये कौन है डेल्टा टू एफ ऑफ एक्स जीरो डेल्टा टू एफ ऑफ एक्स जीरो है कि नहीं भूल गए टेबल ना बनाए बाकी सब डेल्टा टू एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर जनरल रूल मिल चुका है जनरल रूल कहता है कि nth फॉरवर्ड डिफरेंस nth डिवाइडेड डिफरेंस f of x0 is equal to nth फॉरवर्ड डिफरेंस f of x0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n h टू द पावर n लिख सकते हैं जनरल नोट करो इतना बस अब सीधे जनरल लिखेंगे और तीन चार पे निकालने वाली जरूरत नहीं है निहारिका तुम तो गरिमा हो वो है निहारिका वो मैसेज की हुई है किताब पूछ रही थी हाँ, ना बताए नहीं है क्या मन नहीं है बताने का वही वाली लोग फिर सबसे उस सबसे ज्यादा कंटेंट उसी में है कौन सी वही पुरानी वाली जो बताए थे वही तो नहीं याद आ रहा था इसीलिए तो पूछे थे क्या था यूनिक पब्लिकेशंस रश्मि सिंह सूरज कंबाइंड हां एंट्रेंस एग्जाम यूजी के लिए हम भी बेच रहे हैं अरे यूजी के लिए यूजी के लिए सर हम भी बेच रहे हैं हम पहले काय बेच रहे हो अब हमसे ना आ रहा सुनो जितने में खरीदे 530 पे उसे 20% का डिस्काउंट खरीदे एकदम अभी साफ है कोरी उससे क्या फर्क पड़ता है सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड कबार दे दूंगा लेकिन आप लूंगा अरे तुम्हारे जैसे लोग ऐसे ही ना पड़े रहते हैं गवां में करते लिखना
चलो लैंग्वेज लिखो सिमिलरली, इसी प्रकार लिखो सिमिलरली सिमिलरली, जनरलाइज कर दो उसी बात को, nth फॉरवर्ड nth डिवाइडेड डिफरेंस लिख दो सिमिलरली, nth डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x0 इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखिए, nth फॉरवर्ड डिफरेंस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n h टू द पावर n, नोट करो। अब शुरुआत होगी न्यूटन से डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला की, उसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे। न्यूटन से डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन से डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला ये कलाकार है सही पता चलता है ये पूरी की पूरी टीम कलाकारों से भरी हुई है। न्यूटन से डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला चले शुरू किया जाए। सुनो पहला आर्गुमेंट x0 उस पर एंट्री f ऑफ x0, दूसरा आर्गुमेंट x1 एंट्री f ऑफ x1, पेयरिंग कर लो पहले लिखना लेट लेट x0 f ऑफ x0 पहला, फिर अगला x1 f ऑफ x1 ठीक कॉमन, इस तरह से x2 f ऑफ x2, और ये ऐसे ही चलते चलते अब उसको ऑन लास्ट में xn f ऑफ xn आर गिवन, आर गिवन। हम ये मान रहे हैं माना आर्गुमेंट और एंट्री के टोटल n प्लस 1 पेयर हमको दिए जाते हैं, यहां से गिनो कितने पेयर हैं, यहां से n पेयर और ये आ गया तो n प्लस 1, टोटल n प्लस 1 पेयर हमको दिए जाते हैं आर्गुमेंट के और किसके एंट्री के, नोट कर। एक्चुअली है क्या ना, अब हम अपने फंक्शन f ऑफ x को, अपने फंक्शन f ऑफ x को डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्म में, और उसी से बनेगा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरप्रिटेशन फॉर्मूला, इंटरपोलेशन ही तो है, बीच का कोई डेटा मांग लेगा और इस बार इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कैसा होगा, अनइक्वल होगा, तो उसी पर अपने को काम करना है। हो गया पहला डिफरेंस निकालो डियर फोर, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन, अच्छा ये बताओ रुको दो मिनट रुको दो मिनट, एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन निकाले या एफ ऑफ एक्स कॉमन एक्स जीरो निकाले, ज्यादा फायदा किसमें है पहले तो ये सोचो ना, निकाले क्या वरना रटोगे ना जो सरकार की वरी कर रहे, एफ ऑफ एक्स कॉमन एक्स जीरो निकाले, दो चीज लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स कॉमन एक्स जीरो निकाले, एक लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमन एक्स वन निकाले, दोनों में से क्या निकाले ये याद रखना, टास्क ये है कि आपको इन फ्यूचर करना क्या है, इन फ्यूचर आपको किसी अननोन डेटा को पता करना होगा क्योंकि इसमें अननोन पड़ा हुआ है, तो हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमन एक्स जीरो और बाद में हम यहां से एफ ऑफ एक्स को रिगेन कर दिया जाएगा, तो मुझको एफ ऑफ एक्स के लिए एक फार्मूला मिल जाएगा और वही फार्मूला न्यूटन से डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला बनेगा, आई बात समझ में, तो ये कैलकुलेट किया जाएगा। डियर फोर एफ ऑफ निकालो, डियर फोर एफ ऑफ एक्स कॉमन एक्स जीरो, डियर फोर एफ ऑफ x कॉमन x जीरो इज इक्वल टू, फार्मूला जानते हो, बोलो फार्मूला क्या लिखे, f ऑफ x माइनस f ऑफ x जीरो डिवाइडेड बाय x माइनस x जीरो, ठीक है नोट कर। क्या यहां से तुमको, क्या यहां से f ऑफ x मिल गया, बोलो f ऑफ x कितना है, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान देना f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो दिस इनटू दिस और f ऑफ x 0 को इधर कर दे, तो ये बना f ऑफ x 0 प्लस x माइनस x 0 f ऑफ मतलब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x कॉमन x 0, सही या गलत आया ना, अगर मुझको इसकी वैल्यू मिल जाए
एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स जीरो इसकी वैल्यू मिल जाए तो एफ ऑफ एक्स को और ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है कि नहीं? चलो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, इसे इक्वेशन नंबर वन मान, इक्वेशन वन फार्मूला ड्राइव करना सिखा रहे हैं, कैसे फार्मूला ये निकाला जाता है। ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार ये तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस था, सिमिलरली सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स शामिल रहेगा तो एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स जीरो कॉमा एक्स वन इनको निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स जीरो कॉमा एक्स वन बोलो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ नहीं, तुमको जनरल बोलना है, बोलना है इसी के फॉर्म में है जैसा लिखा गया है, बोलो इसी के फॉर्म, सोचो इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, सीखना तुम्ही को है, बोलो क्या लिखे एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन। याद आया? और डिवाइडेड बाई एक्स कितना? एक्स माइनस एक्स वन। सोच लो एक्स माइनस, रुको बात सुनो, एक्स माइनस एक्स वन ज्यादा बेहतर पड़ेगा या एक्स माइनस एक्स जीरो, यही सोचना है तुमको। भूल गया ना तुम लोग, पहला आर्गुमेंट माइनस लास्ट आर्गुमेंट, जिनको ये याद आ रहा हो पैटर्न पकड़े रखो ना, पैटर्न पहला आर्गुमेंट माइनस लास्ट, तो पहला आर्गुमेंट कौन लास्ट कौन एक्स माइनस एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं? पैटर्न मत भूलो, पैटर्न भूलोगे तो सारे फार्मूले तुमको रट्टा मारने पड़ेंगे, रट मारने का कोई रास्ता नहीं है, तुमको समझना ही पड़ेगा कैसे निकाला गया। सुनो ध्यान से, वापस सुनो, करना क्या था, करना ये है कि जो हमने पुराने वाले में काम किया था, हमको कुछ नोन डेटा दिया जाता था, उस नोन डेटा के बीच में कोई एक अननोन डेटा दे देता था, हमको वो कैलकुलेट करना होता था। तो फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला मेरे पास होता था, उसमें हम a प्लस nh की वैल्यू भर देते थे, तो a प्लस nh वही मान लेते थे, वहां से हम उसको पूरा एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेते थे। अब क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जो दे रहा है वो अनइक्वल हो चुका है, तो जब अनइक्वल हो गया तो काम अभी भी वही करना है। 1930 का डेटा दे दिया, 1935 का डेटा दे दिया, फिर 1938 का डेटा दे दिया, तो सोचो 1930 और 35 के बीच में 5 का गैप है, और 35 से 38 के बीच में 3 का गैप है, अनइक्वल हो गया तो नहीं हो गया, इस तरीके से अनइक्वल में दे दिया, और तुमसे मांग लिया 1932 का डेटा मांग लिया। जब 1932 का निकालना होगा तो अननोन क्वांटिटी का निकालना है, तो आपको एक डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जो अननोन डेटा आपको दे सके, तो उसके लिए सबसे पहले अननोन क्या मान लिए एक्स, और अगला ओरिजिन आपका कौन है जहां से आपने आर्गुमेंट स्टार्ट किया एक्स जीरो, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपका आपको एफ ऑफ एक्स देता है, हाँ या ना? लेकिन जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, तो अभी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को मिला फंक्शन वैल्यू एट इनिशियल आर्गुमेंट, ध्यान से सुनना, फंक्शन वैल्यू एट इनिशियल आर्गुमेंट प्लस अननोन एक्स माइनस एक्स जीरो और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स एक्स जीरो मिला कि नहीं। अगर मुझको x अननोन दे दिया जाए, आप इतने पर वैल्यू निकालिए, वही x पूरे में भर देंगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? लेकिन सवाल था, अब इनको निपटारा करना है, f of x x जीरो इनको निपटाओ, तो फिर हम वही काम करते हैं, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में अपने अननोन क्वांटिटी को शामिल रखेंगे, अननोन क्वांटिटी कौन है x, फिर उसके बाद x जीरो, फिर उसके बाद x वन, और ये इन तीनों पर सिमेट्रिक है, ये याद है कि नहीं? तो ये क्या लिखा जाएगा, f of शुरू का तो x x जीरो माइनस एफ ऑफ लास्ट का दो x जीरो x वन डिवाइडेड बाई फर्स्ट ऑफ लास्ट x माइनस x वन। पैटर्न मिला कि नहीं मिला? याद रखना सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस इज इक्वल टू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ओवर इनिशियल टू आर्गुमेंट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ओवर लास्ट टू आर्गुमेंट, लास्ट के दो ठीक डिवाइडेड बाई इनिशियल एंड लास्ट आर्गुमेंट x माइनस x जीरो। कंफर्म हुआ क्या? यहां से तुमको एफ ऑफ एक्स एक्स जीरो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आप बोलो यहां से तुमको मिलता है, दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान देना, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स जीरो इज इक्वल टू, नकल बैठाना दिमाग में, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा इधर आएगा, तो पहले हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन, हाँ या ना? और फिर प्लस एक्स माइनस एक्स वन और इनटू कितना सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स एक्स जीरो एक्स वन, हाँ या ना? और अगर हम इसका इक्वेशन नंबर वन में इस्तेमाल करें यूजिंग इट
इन वन। तो सोचो मुझको अननोन डेटा एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा पीछे यहाँ पर दिखाई देगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले एफ ऑफ एक्स जीरो, एफ ऑफ एक्स जीरो इनिशियल पर आर्गुमेंट, ठीक, इसके बाद प्लस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, नहीं कुछ गलत हुआ, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो ब्रैकेट के अंदर में एफ ऑफ एक्स एक्स जीरो की पूरी पूरी वैल्यू ये मौजूद है कि नहीं। तो जब इस वैल्यू को रखोगे तो सोचो अगर हम सीधे मल्टीप्लाई करें कुल मिला के मुझको इस वैल्यू पर किसका मल्टीप्लाई करना है, एक्स माइनस एक्स, हम ब्रेकेट ना लगाए सीधे मल्टीप्लाई करके लिखे चलेगा, तो यह क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स माइनस एक्स जीरो का पूरे पर मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस इसके बाद एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन और इंटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स एक्स जीरो एक्स वन, लिखा जा सकता है कि नहीं, नोट करो। एक और करके दिखाएंगे फिर जनरलाइज कर देंगे, एक और दिखाएंगे करके। ये लोग क्रम को ऐड कर दिए, क्रम ग्रुप से बाहर नहीं थे, आज ये लोग क्रम को ऐड कर दिए। नहीं कॉलेज आ रहे थे ना, कॉलेज कर रहे थे। नहीं कल जैन सर की क्लास थी, ये लोग बहुत दुष्ट हैं, कल इनको पहली क्लास बताई गई थी, ये लोग क्लास है नहीं इतने दुष्ट। क्लास नहीं आएगा उसके बाद जब सवाल नहीं आएगा तो कहेंगे हमारे यहाँ तो बताया ही नहीं जाता सवाल, और चिल्ला चिल्ला कर कम से कम दो लोग तो चिल्ला चिल्ला पढ़ते करते हैं और उसके बावजूद भी ड्रामा इन लोगों का है। जब तक किसी के पास कोई चीज रहती है तब तक उसको उसकी कदर नहीं रहती है। अभी बीएससी में वक्त है तो कदर नहीं है उस वक्त की, बाद में जब बीएससी निकल जाएंगे और आएंगे फिर तैयारी करने के लिए तो कुछ नहीं आएगा आम घास, तो फिर बैठ करके गिर जाएंगे हमारे टाइम में हमको पढ़ाया नहीं गया था, तब फिर ये कहना चालू करेंगे। कम से कम जब एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तब तो उसको भुला दो। चले शुरू किया जाए, ये हटा दें, तुम दिमाग में नकल बैठाओ, लिखना चाहो तो सीधे भी लिख सकते हो लेकिन फिर भी मैं एक निकाल करके दिखाएंगे। ये बताओ धीमे 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 एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो मतलब अननोन क्वांटिटी माइनस इनिशियल आर्गुमेंट और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। हाँ यार जब मैंने इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया तो फिर पता चलता है, मतलब कहते हैं ना डेटा और ज्यादा बढ़ाना तो एक्यूरेसी और ज्यादा लाना, तो एफ ऑफ एक्स क्या बना, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस अगले वाले में एक्स माइनस एक्स जीरो मतलब एक्स माइनस इनिशियल आर्गुमेंट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फिर गौर करो एक्स माइनस एक्स जीरो भी है एक्स माइनस एक्स वन भी, मतलब अननोन माइनस फर्स्ट आर्गुमेंट अननोन माइनस सेकेंड आर्गुमेंट तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, यहां दो है तो दो रो लाए हैं। तो अब दिमाग कहता है कि अगर हम थर्ड वाले को शामिल करें तो बनेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एफ ऑफ एक्स एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, बढ़ता चला जाएगा कि नहीं, थर्ड निकाल करके दिखा रहे हैं। ठीक नाउ एफ ऑफ थर्ड निकाल लो तो चार पॉइंट आएंगे, कौन कौन से, अननोन एक्स
फिर x0, फिर x1 और x2। सहमत हो कि नहीं? कैसे लिखें तुम हमको बताओ। दिस इज इक्वल टू इनिशियल के 3, पैटर्न पकड़ो, इनिशियल के 3, तो f ऑफ x x0 x1 माइनस लास्ट के 3, तो f ऑफ x0 x1 और x2 और डिवाइडेड बाय x माइनस x2। सही से लाना, आप गए नोट करो, ठीक। कुछ करना नहीं, यही याद रखना, इनिशियल के 3 माइनस लास्ट के 3, तो इनिशियल का 3 कौन हुआ x, x0 x1 और लास्ट का 3 कौन हुआ x0 x1 x2। इसे इक्वेशन नंबर 2 नहीं मान लेते ना हम लोग, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे और उनका यूज अभी इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, ये आपको क्या देगा, चलो यहां से वैल्यू निकालो उस अकाउंट की जो यहां पर मौजूद है, कौन है f of x x0 x1, ये वैल्यू कितनी होगी कोई बोलेगा? इसको पहले लाए तो f of, पहले तो ये लिख दें, x x0 x1 is equal to f of x0 x1 x2 फिर plus x minus x2 into f of x x0 x1 x2। और इसका कहां इस्तेमाल करें? सेकेंड में, using it into, using it इन टू, इसे इक्वेशन नंबर 2 में इस्तेमाल करने पर। चलो करो इक्वेशन नंबर 2 में इस्तेमाल। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो भैया क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स 0 आया ना, बोलो भाई क्यों नाराज जाते हो, इनटू एक्स माइनस एक्स 0 फिर f ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 फिर प्लस, अब एक दो पैकेट का प्रोडक्ट यहां ऊपर वाले पर कर दो, हां है ना, इन दो लोगों का प्रोडक्ट किसका, x माइनस x0 x माइनस x1 का, इसका प्रोडक्ट आप कर दो इस वैल्यू पर, तो बोलो क्या होगा, x माइनस x0 x माइनस x1 f ऑफ मतलब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 x2 फिर अगला प्लस x माइनस x0 x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 और फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस x x0 सॉरी थर्ड x1 x2। अब हम कंटिन्यूइंग इन दिस वे कर देंगे और काम मेरा बन जाएगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है, और नहीं तो क्या, इतना आसान है, लॉन्ग आंसर में दे दे प्रूफ, बस हो गया काम। क्या मानसो चश्मा उतार के देखो तो चमकेगा नहीं, कहां पे बोले लिखिए, इसीलिए तो हम वो दूसरी वाली ट्यूबलाइट बढ़वा दी कि आप ना चमके, हाँ कल बढ़वाए वो निकाल देगा, तो चार चार साथ दिखाई देगा, काम हमारी निकाल देगी चार साथ दिखाई, कुछ नहीं दिखाई देगा उसको बंद करेंगे तो, देखना अभी लो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट करवा दी, देखे कुछ नहीं देखेगा, गडरिया अपनी भेड़ों को पहचानता है और भेड़े जहां चलती हैं वहां धोखा दे देती है, ये मान के चलो। शुरू करें, जनरलाइज करें, लिखना लैंग्वेज लिखो, कंटिन्यूइंग इन दिस वे, कंटिन्यूइंग इन दिस वे, तब तक काम चलता रहेगा जब तक आपके दिए गए आर्गुमेंट खत्म ना हो जाए। Continuing in this way, इस तरीके से चलते हुए, continuing in this way, continuing in this way, अब हम generalize लिख रहे हैं, मेरे को कितने argument दिए गए हैं, n plus 1, x 0 से शुरू है और xn तक दिया गया है, ठीक, दिमाग दौड़ाना,
f of x is equal to, हम इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, continuing in this way, नकल बैठाओ दिमाग में, नकल ये कहती है कि शुरुआत हुई है f of x 0 से, तो शुरुआत तो f of x 0 से होगी, f of x 0, इसके बाद plus, अगले में कौन है, x minus x 0, तो कौन, first forward difference, f of x 0 और एक बढ़ा दो, x 1, first divided difference, clear हुआ, इसके बाद plus, अगला बोलो क्या लिखा है, पुराना वाला ये तो था x माइनस एक्स जीरो, एक और नया आया तो यहाँ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ, लिखना सीखो, x जीरो x वन और एक एक्स्ट्रा x टू आया ना, उनको हम फिर लिख रहे हैं प्लस, कितना लिखा है x माइनस x, तुम लोग चाहे तो ना लिखना, तुम लोग जनरलाइज कर लेना, x माइनस एक्स जीरो x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू और एक्स थ्री, ऊपर वाला तो पूरा एज इट इज आएगा ना, तो आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले x माइनस एक्स जीरो, फिर x माइनस एक्स जीरो x माइनस एक्स वन, फिर x माइनस एक्स जीरो x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू, और नहीं, और वही लास्ट वाला जो था वो कौन है, वो है f ऑफ x, जनरल नहीं लिखना, पर्टिकुलर वाला लिखना है, ये नकल बैठाओ, जब यहाँ कौन था x माइनस एक्स जीरो, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x 0 और x 1, जब x माइनस x 0 x माइनस x 1, तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एट x 0 x 1 x 2, तो x 0 है x 1 है x 2 है, तो वहां 0 1 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x 0 x 1 x 2 x 3, और ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा, हम तो जनरल कर दिए ना, अब हम पर्टिकुलर थोड़ी है कि यहां की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करें, तो सोचो लास्ट का हम लिखे, लास्ट का सोचना, अभी हम वो लिख रहे हैं जो शायद बाद में खत्म भी हो सकता है, देखना, चलते चलते प्लस x माइनस x जीरो x माइनस x वन अप टू सो ऑन, चलते चलते x माइनस x n माइनस वन, x माइनस x n माइनस वन और f ऑफ x 0, x1, x2, up to so on, xn. हाँ या ना? नोट करो. क्लियर हुआ? ये कौथा डिफरेंस है? ये nth डिफरेंस है. ये nth डिफरेंस है. याद करो, ये कौथा है, कहाँ गया, ये फर्स्ट दो एंट्री आई है, इसमें कितनी एंट्री आई, तीन, ये सेकंड डिफरेंस है, इसमें कितनी आई, n प्लस वन, ये nth डिफरेंस है, आपको टोटल n प्लस वन एंट्री आर्गुमेंट पेयर दिया गया है, तो nth डिफरेंस तो आपको मिलेगा ना, n प्लस वन मानते तो वो जीरो हो जाता, इसलिए उसको लिखे भी नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं, इतना पूरा लिख करके और घेरा मार देंगे पूरे, अब तुम लोग मन चाहे तो छोटा कर लेना, हम इसलिए पूरा लिखते हैं जिससे अच्छे से समझ आ जाए, कितना अच्छा लग रहा है, ये जो फार्मूला सामने लिखा गया ना यही है न्यूटन से डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, यही है, अरे टाइम स्लॉट के ऊपर जा रहे हैं लोग, एक काम करते इसी पे रोक देना, लास्ट में वही लिख देना, दिस इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, दिस इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, NDDIF, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक, लेकिन ये याद रखना ये अनइक्वल इंटरवल्स का है, ठीक, फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन या फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, खत्म, this is Newton's divided difference interpolation formula for unequal intervals, for unequal intervals, बस भैया इसी पर रोक दो, बाकी कहानी कल करेंगे हम लोग, for unequal intervals लिखिए, इतने पर रोक देना, for unequal intervals. Gracias.